राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने एक बार फिर जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर की वकालत की थी। साथ ही कहा कि महिलाओं के साथ अब कोई अन्याय नहीं होगा। खास बात की संवाददाता आलोक पांडे ने। यहाँ पर महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान, मैम सवाल तो आपसे पहले यही बनता है कि आपने आते ही कहा कि महिलाओं के लिए चाहे वो जिम हो, चाहे टेलर की शॉप हो, चाहे बुटीक हो, उनको ये विकल्प मिलना चाहिए कि कोई महिला उनको अटेंड करे। आखिर उस मुद्दे को लेकर के बात कहाँ तक पहुंची, कब लागू होगा? देखिए, मैंने बिल्कुल ये कहा था और मेरे इसमें दो मतलब थे। उसमें था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भी और महिलाओं की सुरक्षा और उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट, क्योंकि अभी तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमें महिलाएं भी रखनी है, तो कहीं ना कहीं से परफेक्ट महिलाएं भी लाई जाएंगी जो ट्रेंड होंगी उस चीज़ में, तो हम भी उनकी मदद करेंगे जहाँ से भी होगा। और तो थोड़ा सा अभी हमने टाइम दिया, तो मुझे लगता है कि एक डेढ़ महीना हमें दे देना चाहिए और फिर हम उसके बाद जिलाधिकारी को सबको पत्र लिखवा भी दिए हमने कि हमें ये पता करें, ये जानकारी मिलनी चाहिए कि कहाँ कितने जिम या पार्लर या कितनी उसमें है। तो अभी ये तो मैम अभी हम माने कि डेटा कलेक्शन हो रहा है या फिर आंकड़ों को देखा जा रहा है, क्या हम माने कि नवंबर के एंड तक में शुरू हो जाएगा या दिसंबर के मध्य तक में ये नियम कानून के तौर पे आ जाएगा? मुझे लगता है कि हम दिसंबर तक शायद इसको शुरू करा देंगे। दिसंबर में हमारा ये हो जाएगा और हम भी कोशिश करेंगे। हमने ये कह भी दिया है कि अगर ज़रूरत है आपको तो हम महिलाएं उनको, हम जो भी परफेक्ट महिलाएं उनको उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो हमें संस्थाओं के द्वारा लेना पड़े, चाहे जो भी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का काम करती हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं, तो हम वहाँ से भी उनको महिलाएं उपलब्ध करा सकते हैं। मैम एक सवाल और भी है कि कुछ महिलाएं आपसे मिली भी थी और अलग अलग जगहों से थोड़ा पॉलिटिकल बात हो गई थी, उन्होंने कहा ये तो व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, तो क्या इन सब चीजों से बात थोड़ी विवादित नहीं हो रही है? क्या आप अपनी बात पे, आपको लगता है कि सही है और ये काम होना ही चाहिए? देखिए, मैं अपनी बात पे बिल्कुल सही हूँ और ऐसा कोई अभी वैसे मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं आया कि जहाँ मुझे कहीं कोई विरोधाभास दिखा दो। मैं तो आपसे ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगा कि जो ये प्रस्ताव था, ये जो आदेश था, ये हर घर की आवाज थी। इसमें महिलाएं की तो छोड़िए, अब मेरे पास पुरुषों के भी इतने फोन आए कि मैडम जो आपने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा था। तो मुझे ये खुशी हुई कि जो हमने सोचा और जिसके लिए हम प्रयत्नरत हैं तो वो शायद बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा बिल्कुल ये दायित्व है कि मैं उनकी सेफ्टी के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी उनको जो भी मैं सुविधाएं दे सकती हूँ, जो भी मैं उनको खुशियां दे सकती हूँ, जहां भी उन्हें मेरी जरूरत होगी, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी। मैम एक दूसरा मुद्दा कि कल बैठक भी है और आपने जैसे बताया प्राथमिकताओं में, तो आने वाले समय में हम महिलाओं के लिए और क्या देख सकते हैं, क्या क्या आप लोगों ने एजेंडे में रखा है या फिर आपने खुद के एजेंडे में रखा है कि आने वाले समय में एक कार्यकाल में इन चीजों को पूरा करना है महिलाओं को? देखिए, पहले मैं बताऊँ आपको कि हमारी चाहे केंद्र सरकार है और चाहे हमारी राज्य सरकार है, दोनों ही महिलाओं को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं और बहुत ही उनके बारे में सब सोचती हैं। तो मेरा मानना यह है, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि सारी योजनाएं आती हैं, कुछ लोग हैं जो जिनको बार बार वही योजनाओं का लाभ मिलता रहता है, लेकिन अभी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहां तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो कल हमारी मीटिंग है, हम सब मिलकर उसमें यही तय करने वाले हैं और उसके लिए योजना हमने बनाई भी है और आगे भी हम उसका वो करेंगे कि हमारी जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, हम उनको एंड तक कैसे पहुंचाएं, लास्ट की महिला तक, कहीं गांव में जाए, बहुत इंटीरियर में रह रही हैं, हम उन तक वो चीजें क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो जरूरतें हैं वो वहीं पे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ।